मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक दुल्हन शादी की रस्म के दौरान ही मां बन गई। बात बगैर दुल्हन के लौटने तक जा पहुंची, लेकिन दूल्हे की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और बाद में बारात हंसी खुशी दुल्हन के साथ लौटी। मां बाप की शादी में गवाह बना बच्चा। दरवाजे पर पहुंची बारात, दुल्हन बनी मां। शादी के मंडप में दुल्हन ने बच्चे को दिया जन्म। पूरी धूमधाम के साथ मानसिंह की बारात उसके ससुराल पहुंची थी। शादी की रस्म शुरू हुई, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हंगामा मच गया। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में एक दुल्हन सात फेरे के दौरान मां बन गई। बात बगैर दुल्हन के लौटने तक जा पहुंची, मगर दूल्हे की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और बाद में बारात हंसी खुशी दुल्हन के साथ दहेज में नए मेहमान को लेकर विदा हुई। अगर उंगलियां उठाने लगे गांव वाले तो मैं भी सोच लिया कि मैं धर्म पत्नी उसको ही बनाऊंगा और मतलब जीवन साथी उसी को चुनूंगा और जिंदगी भर उसी का साथ निभाऊंगा और हम दोनों सातों जन्म तक साथ ही रहेंगे। शादी की रस्मों के बीच दुल्हन के मां बनने से दुल्हा पक्ष के लोग लौटने की तैयारी में थे, लेकिन दुल्हे मानसिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया। मानसिंह का कहना था कि उसे इस बात का पता था कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है। दोनों का मिलना जुलना शादी से एक साल पहले से चल रहा था। ऐसे में दूल्हे की जिद के आगे बारातियों को झुकना पड़ा। बस्ती वाले लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा है वैसा है, तो हमने सोचा कि चलो अपना भी इज्जत बच जाएगा, लड़की की भी इज्जत बच जाएगा, इसलिए अपन लोग बहू बना करके ले आए। अमूमन जनजातीय वर्ग में शादी के तय होते ही लड़के और लड़की के मिलने जुलने का दौर शुरू हो जाता है। इसे बुरा भी नहीं माना जाता, मगर ये पहला मौका है जब दुल्हन वैवाहिक रस्मों के दौरान ही मां बन गई। ढिंढोरी में दूल्हे की समझदारी की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और इस कहानी का दी एंड खुशनुमा हुआ।